जिले के अंदर, आपके इलाके के अंदर अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि सरकार का अत्याचार हो रहा है, गरीब की, नौजवान की, युवा की आवाज दबाई जा रही है, आप हमको बताइए, आपकी आवाज को राजस्थान की विधानसभा के अंदर उठाएंगे। इतने नौजवान साथी आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर बैठे हैं, इन लोगों की वजह से बीजेपी सरकार की बोलती बंद हम लोगों ने कर रखी है। वो ताकत आप लोगों के, इन युवा साथियों के जो विधायक सदन के अंदर आए हैं, मैं कहना चाहूंगा आज जो प्रदेश के हालात यहां बिगाड़ने का काम अगर हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज इस बात को हमें समझना पड़ेगा साथियों, आज संविधान को जो लोग कमजोर करना चाहते हैं, आज ये बात कहां से आई कि हम संविधान बदलना चाहते हैं? जो लोग संविधान बदलना चाहते थे उन लोगों का अगर इलाज किया है तो आप लोगों ने किया है, आपने एक भाईचारे की मिसाल पेश की है। आज मंच पर जो लोग बैठे हैं, 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं, 36 बिरादरी एकजुट होकर साथ चल रही है। ये लोग जाति और धर्म की बात करते आज देश के अंदर किस प्रकार से इनके जो निर्णय हो रहे हैं उस पे दुकानों पे नाम लिखवाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की एक फटकार पड़ी, सीधे हो गए ये हालात इन लोगों की। मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस का ये जो इतिहास है वो 36 बिरादरी, सभी जाति, सभी धर्म, सबको साथ लेके चलने का इतिहास है। और एनएसयूआई हमारी नींव का पत्थर है। मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, डोटासरा साहब, अगर हम एनएसयूआई को मजबूत करेंगे तो हम कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। ये हमें दिल के अंदर ये ठानना पड़ेगा, हमें एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, जो हमारे नींव के पत्थर है, जिन पिलरों के ऊपर कांग्रेस खड़ी है, उनको मजबूत करने का काम है। आने वाले समय में पंचायत राज के भी चुनाव आ रहे हैं, मैं चाहता हूं अधिक से अधिक टिकटें हमारे युवा साथियों को दी जाए ताकि आने वाले समय में ये लोग नए जीवन की शुरुआत करें। यही बात कहता हुआ भाई विनोद जाखड़ को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आपकी पूरी टीम, पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व आज एनएसयूआई का है, पुराने सभी हमारे अध्यक्ष एनएसयूआई के यहाँ पे मौजूद हैं, सबको बहुत बहुत बधाई और राम राम सब।